हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आज घी बनाने के लिए आप लोग को सिखा रही हूँ। सिखा नहीं रही, बहुत लोगों को आता है। मैं प्रॉपर अपने घर में घी बना रही हूँ। तो मैं पहले से मैंने इस मिक्सी में मैंने इसको पीसा था, तो मैंने उसके वीडियो नहीं डाल पाई हूँ मैं, कि ऑलरेडी बाद याद आया कि मैं इसको मिक्सी में पूरा घुमा दिया है मैंने। और इसको हल्के आँच में मैं चढ़ा दी हूँ और मैं हल्के हल्के आँच में इसको भूंजूंगी। जितने भी घी होगी प्रॉपर निकल के ऊपर आ जाएंगे। ये मक्खन है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये मक्खन आ गया नीचे। देख सकते हो सारे घी का घी हो गया। मैं प्रॉपर इसको तेज फ्लेम में इसको रखूँगी, सारे घी निकालूँगी मैं इसमें से। देख सकते हो घी निकल चुकी है सारी मेरी, एक साइड हो चुका है ये देख सकते हो। अब इसमें से जितनी मक्खन होगी मैं एक साइड कर दूँगी और घी निकालूँगी। घर की घी स्वस्थ एंड शुद्ध है ये। आप लोग की मेरी वीडियो कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को ऐसे फॉलो करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें प्लीज़। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो प्रॉपर घी हट गया, घी निकल के। तो मैं अपने बच्चों के लिए निकाल रही हूँ घी, मेरे बच्चे को सेहत के लिए अच्छा रहेगा। देख सकते हो, ये नहीं मैं बाहर से भी घी लेकर आती हूँ। तो मैंने भी किसी आंटी से मैंने सुना था, तो मैंने उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसे करोगे तो घी घर पे भी निकल जाएगा। ऑलरेडी मेरे घर में फुल क्रीम का दूध आता है, तो मैंने इसको 10 दिन से मैं इसका मक्खन निकाल के रख रही थी। आज मैं घर पे खुद ही थोड़ा सा मेहनत करी हूँ, तो मैं सोची चलो कुछ नया सीखने के लिए मिल भी गया, तो नया कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो मेरे लिए नया है और मैं बहुत एक्साइटमेंट हो रही हूँ। मैं देख सकते हो बहुत पे खुश हो रही हूँ। इसको इस तरह से पकाते रहेंगे तो सारा घी नीचे बैठ जाएगा और फिर इसे मैं छन्नी से छान लूँगी। यस, देखो किस तरह से उबाला मार रहा है और घी सारे साइड हो चुके हैं। देख सकते हो बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो। वाओ, पानी जो थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें मैशअप करने के लिए वो मर चुका है, वो पानी निकल जाएगा। फिर इसको हल्का सा इसी तरीके से चलाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहना। मैं सुबह सुबह के टाइम इसे घी निकालने के लिए बता रही हूँ सबको, तो आप देख सकते हो मेरे फेस देखकर। अब मैं जल्दी जल्दी इस घी को निकाल कर पूरे घर की सफाई करके मैं गन्नू को लेने के लिए जाऊँगी। मेरा बेटा भी सुबह सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं सोचा सुबह सुबह से काम को कर लेती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, लाइक। दाल बाटी, दाल बाटी नहीं है ये हमारा बाबा के मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर लग रहा है।